ये हमारे श्याम का रूटीन है। अभी मैं गोबर उठा रही हूँ और उसके बाद मैं भैंस को बाहर बांधूंगी। मम्मी 4-5 दिन से अपने मायके गए हुए है। ये तो मैंने एकदम साफ गोबर की भर ली है जो ऊपर ऊपर से था, और ये नीचे बची हुई जो खाद है वो है। और ये जो साफ गोबर है इससे हमारे थोड़ी सी दूर में एक चूल्हा है और थोड़ी सी दीवार है, तो उसके मैं इससे गारा लगाने वाली हूँ, इसमें मिट्टी मिला के। और ये जो खाद बची हुई है, ये जो हम खेत में खाद डालते हैं एक जगह इकट्ठी करते हैं, वहीं लेके जाके डालूंगी इसको। सुबह लगभग 9 बजे हम भैंस को अंदर बांध देते हैं, क्योंकि इनको धूप में ज़्यादा धूप लगती है, तो सुबह जल्दी अंदर बांध देते हैं। और अब शाम को लगभग 5:30 हो गए, तो अब इनको बाहर बांध के चारा डालेंगे। हमारे 2 भैंस है जिसमें से एक दूध देने वाली है, उसको हम ये इधर मूंगफली का चारा है ये डालते हैं, और जो एक दूध देने वाली नहीं है उसको ये इधर तूड़ी है जो गेहूं का चारा है, गेहूं और मूंगफली का दोनों मिक्स करके डालते हैं। गेहूं और मूंगफली दोनों ही हमारे खेत में होती है, तो जो ये गेहूं का और मूंगफली का चारा है ये दोनों ही हमारे खेत का ही है। जब गेहूं और मूंगफली निकालते हैं उस टाइम चारा ला के घर पे स्टॉक कर लेते हैं, और उसके बाद साल भर हम इसी चारे को काम में लेते हैं। ये मिक्स वाला जो हमारी दूध नहीं देती है उस भैंस को डालेंगे। अभी हमारे यहाँ गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन धूप वैसे ही पड़ रही है जैसे दोपहर का टाइम हो। ये बनवाला फल है, और इसमें जौ है। ये बनवाला फल है और ये जौ है पिसा हुआ। ये जो गर्मियों में ठंडे रहते हैं तो पीसे हुए सीधा इस खल के साथ में भिगो के देते हैं हम। अब इसमें पानी डाल के 2 घंटे के लिए भिगो देंगे और फिर भैंस को दे देंगे। अगर गाय या भैंस को गर्मियों में धूप ज़्यादा लगती है तो जो को भिगो कर देने से जो ठंडे रहते हैं तो ज़्यादा धूप नहीं लगती है गाय भैंस को। अगर कुंड में से निकाल निकाल के पिलाते हैं तो बहुत मुश्किल काम होता है। मोटर चलाते हैं और फटाफट बाल्टी भर लेते हैं और भैंस के आगे रख लेते हैं तो फटाफट से पानी पिला देते हैं। आप कमेंट करके पूछोगे कि आपने घर का वीडियो बनाया है तो आपने सिया को क्यों नहीं दिखाया, सिया कहाँ है? तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि सिया अभी तक सो रही है, सिया उठी नहीं है। अगर सिया उठ जाती तो हम वीडियो में सिया को ज़रूर शामिल करते, लेकिन सिया अभी तक सो रही है। और अभी गोबर मिट्टी और पानी ले आई, मैं इस गारे को मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा गारा नहीं है तो कुंडे के अंदर ही मिक्स कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा होता तो कुंडे के अंदर नहीं होता, बाहर कहीं करना पड़ता। लेकिन सिर्फ एक चूल्हे के और दीवार के लगाना है तो थोड़ा ही है, तो कुंडे में आराम से मिक्स हो जाएगा और इसी कुंडे से गारा लगा लेंगे। जो सीमेंट का चूल्हा होता है उससे ज़्यादा गारे वाला अच्छा रहता है।
क्योंकि सीमेंट वाला काला हो जाता है तो उसको फिर से एकदम नए जैसा नहीं बना सकते। गारे वाला होता है उसको गारा लगाती है तो एकदम नए जैसा हो जाता है। गारा हम वैसे रोज रोज नहीं लगाते हैं, लगभग महीने दो महीने से एक बार लगा लेते हैं तो चूल्हा एकदम नए जैसा हो जाता है। होली दिवाली होती है तब लगा लेते हैं, या फिर ये ज्यादा ही खराब हो जाता है तो अभी बहुत ज्यादा खराब हो रखा है चूल्हा। दीवार पे पानी इसीलिए छिड़कते हैं कि पानी नहीं छिड़कते हैं तो गारा इसकी चिपकता नहीं है। पहले पूरी को भिगो लेंगे तो फिर फटाफट गारा चिपक जाएगा। हमारे भी जो ये चूल्हा है पहले सीमेंट का था तो सीमेंट का बहुत काला काला रहता था। सीमेंट का तो एक बार बनाकर छोड़ देते हैं तो फिर वो काला हो जाता है ज़्यादा दिन तक जलाते हैं तो, लेकिन गारा होता है तो गारा फिर से लगा लेते हैं तो नए जैसा हो जाता है। हम दीपावली के टाइम में कहीं घूम रहे थे तो लोगों के घरों में देखे गारे के चूल्हे देखे थे तो इतने सुंदर सुंदर दिख रहे थे। दीपावली के टाइम में उन्होंने खूब सुंदर सुंदर सजा रखा था तो फिर हमें भी गारे वाले चूल्हे बहुत अच्छे लगने लग गए। हमने भी घर पर आके चूल्हे के गारा लगा लिया और अभी हम शायद तीसरी बार गारा लगा रहे हैं। गारा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि ये गारा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, पर ये बहुत आसानी से हो जाता है। जितना गोबर लेते हैं उतनी ही मिट्टी लेते हैं, जो माटी बोलते हैं वही, और दोनों को मिक्स करके ऐसे फैलाना होता है। मैं आगे आगे लगा रही हूँ और सुम्मा पीछे पीछे साफ करने में मेरी हेल्प कर रही है। भाभी जी को लेट हो रही है काम में, फिर दूध निकालना है भैंस का, इसीलिए दोनों काम करेंगी तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी डालकर इसको ऐसे करना होता है। ये अभी हमारा गारा कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद गारे के पास में थोड़ा सा जो आंगन था उस पर भी लगा दिया। ये लगाने के बाद ऐसा दिख रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा लगाने के बाद। आपको कैसा लगा आप भी ज़रूर बताइएगा। हम भैंस के आगे बंटा रख के दूध निकालते हैं तो इसमें तूड़ी मिलाती है, नहीं वो जल्दी खा जाती है दूध निकालने से पहले, तो इसमें थोड़ी तूड़ी मिला लेते हैं तो इतना जल्दी नहीं खा सकती। ये दूध देती है तो इसको दोनों टाइम रखते हैं, और ये ब्याने वाली है तो इसको सिर्फ सुबह सुबह एक टाइम बंटा देते हैं।
हमारी भैंस का दूध थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ भैंस का आसान होता है, कुछ का मुश्किल होता है। मुश्किल होता है तो जोर लगाते हैं तो पूरा पसीना आ जाता है गर्मियों में। ऐसे देख रहे हैं, मैं पानी पी गया हूं। पानी पी गया? भैंस का दूध निकालने के बाद कच्चा दूध डाल के आम का जूस बनाया है। चेक करके बता क्यों है? समझ नहीं। मन बताओ कि वैसे हम ये जूस रोज बना कर पीते हैं, रोज ऐसा ही बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। Yummy.